हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देवी जी की ये बहुत प्यारी सी लाल रंग की पोशाक बनाना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, मेरी देवी जी की ड्रेस की लंबाई जो है मैंने रखी है 8 इंचेस। इनकी बेल्ट की लंबाई रखी है मैंने चौड़ाई 5 इंचेस और नीचे से घेर रखा है मैंने लगभग आपका 15 इंचेस। ये मैंने पेस्टिंग बुकरम ली है। अब मैं इस पे शनील के रेड कलर, ये देखिए, चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके उल्टी तरफ देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है क्योंकि ये कपड़ा हमें बाद में मोड़ना है। इसमें मैंने ये फ्रिल ली है जिसकी चौड़ाई लगभग 2.5 इंच है। ये पूरा कपड़ा मैंने 5 इंच ही का लिया है, उसको आधा करके ये 2.5 इंच ही आया है और ये लगभग 2 से 3 मीटर की फ्रिल बनाई है मैंने। मैंने प्लेट्स के लिए निशान लगा लिया क्योंकि हमारे 2.5 इंची की फ्रिल्स हैं, तो मैंने इसमें 2-2 इंची का निशान लगाया है। एक फ्रिल हमारी यहाँ आएगी, दूसरी फ्रिल हमारी 2 इंची के बाद यहाँ आएगी, फिर तीसरी फ्रिल 2 इंची के बाद हमारी यहाँ आएगी। कुछ इस तरीके से हमें अपनी फ्रिल्स को अटैच करना होगा। एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ करेंगे और तीसरी को यहाँ करेंगे। ये देखिए, मैंने 1 बाय 1 तीनों फ्रिल को अटैच कर दिया है। जैसे आप देख रही हैं, ये चीज़ें उभरी भी हो रही हैं, इनको हमें प्रेस से बिल्कुल एक सारा करना है। प्रेस के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से मोड़ना होगा, कुछ इस तरीके से। सिलाई के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। देखिए, अब इसकी इस तरह की एजेस पे हम ये रेशम का ये टिश्यू रिबन लगाएंगे, ये वाला, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ सिल्वर टिश्यू पेपर लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो गया है। अब हम इसके किनारे पे भी टिश्यू पेपर लगाएंगे और थोड़ी थोड़ी सी जगह इधर उधर छोड़ेंगे ताकि वो नॉट बांधने में काम आए। देखिए, डोरी लगा के मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब हम दुपट्टा तैयार करेंगे। दुपट्टे के लिए हमने जो लंबाई है वो 15 इंच लेंगे, लगभग 15 इंच, और जो चौड़ाई लेंगे वो लेंगे हम 3 इंचेस। हमने 15 बाई 3 की ये एक पट्टी काट ली है। अब हम इसमें जो है ये फ्रिल्स लगाएंगे। ये फ्रिल्स हैं जो कि हम इधर की तरफ लगाएंगे, इधर इधर। फ्रिल लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो गया है। ये देखिए, फ्रिल लगाने के बाद अब हम इस पर इधर तरफ इसमें ये सिल्वर कोट लगाएंगे, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे और यहाँ पे। वाइट टिश्यू रिबन लगा के ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है किचन। ये लहंगा और ये चुन्नी तैयार है। ये बिल्कुल प्लेन है, हम इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। लहंगा चुनरी का ये सेट कुछ इस तरीके से लगेगा। ये पूरी डेकोरेशन है, ये मैंने अपने हिसाब से की है, पर आप जो हैं, आपके पास जो भी सामान अवेलेबल है आप उसी के हिसाब से डेकोरेशन कर सकती हैं। मेरे पास ये सामान अवेलेबल था तो मैंने इसी सामान से माता रानी की चुनरी और लहंगा दोनों डेकोरेट कर दिया है।